बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधी 3 अध्यादेश का व्यापक विरोध हो रहा है। देश के कई राज्यों, हरियाणा पंजाब के बाद यूपी में भी विरोध तेज हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की अच्छी खासी पेंट रखने वाली भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर कई जिलों में चक्का जाम किया गया। किसान सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने सड़क मार्ग पर यातायात बाधित कर दिया है। मुख्यतः जाम को हाईवे तक ही सीमित रखा गया है। पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बीच आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वह रेल मार्ग को भी जाम कर देंगे और वहीं दिन रात का धरना शुरू कर देंगे। मेरठ में परतापुर तिराहे पर किसानों ने जाम की शुरुआत कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में भी यह जाम चल रहा है। इस दौरान कई आंदोलनकारी किसानों ने फर्स्ट बाइट से बात की, आइए देखते हैं। ये 3 अध्यादेश जो अचानक लाई है चोर के रास्ते से, इनके विरोध में जो पूरे भारत में आज किसान सड़कों पर है, अगर ये वापिस नहीं लेते अध्यादेश तो किसान इसे आर पार की लड़ाई करके लड़ेगा। किसान का जो गन्ना पड़ा पिछले साल का, उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ। किसान पे ब्याज चढ़ रहा, एक काला कानून ये जो लेकर आ रहे हैं किसान को बिल्कुल यह सब बर्बाद करने के लिए, किसान आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा। इसलिए जब तक ये किसान के खिलाफ जो अध्यादेश वापिस नहीं होंगे और किसानों का भुगतान सही नहीं मिलेगा, लाभकारी मूल्य होगा, जब तक आंदोलन जारी रहेंगे। भाई आगे जो होगा सब रेल लोग दी जाएंगे, पटरिया पर किसान होगा, वहीं खाएंगे वहीं पीएंगे, पटरिया पर लौटेंगे। ये अध्यादेश नहीं वापिस करते, किसान बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक आज के अखबार में दिया 45 लाख लिया इन्होंने एक हवाई जहाज और 90 का बेच दिया मिलिट्री को। बता वहाँ भी दलाली चल रही, मिलिट्री का एक देश सेवार किसान उनकी गैर भी धोखा कर रहा है। क्या लग रहा है पुराने आंदोलन जो चले थे फिर से उसी रूप माना पड़ रहा है? हाँ बेटे, हम तो अंग्रेज थे भगाए थे, इतने भी भगा के छोड़ देंगे। अंग्रेज भगाए थे अपने देश से, मेरी 57 साल की उम्र है, अंग्रेज भगाए भी ना भगा के छोड़ देंगे। किसान अमर रहे। उधर बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और सहारनपुर में भी किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता प्रदीप त्यागी ने बताया कि आज सुबह से ही किसानों ने चक्का जाम की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया था। जनपद में जगह जगह किसानों ने सड़क मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। इस बीच आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने इस बारे में यह जानकारी दी। देखिए, आज पूरे रेंज के सभी जनपदों में हाई अलर्ट रखा गया है। सभी जगह पर जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, लगातार भ्रमणशील हैं और कहीं पर भी कोई विधि व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति नहीं है। सभी जगह पर चीज़ें सामान्य हैं, जनजीवन सामान्य है, लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, भ्रमणशील हैं, लोगों से संवाद भी बनाए हुए हैं। हमने जो भी फोर्स था उसको जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, फोर्स मल्टीप्लायर्स भी यूज़ किए हैं और जो लोग हैं पब्लिक के लोग हैं उनसे हम संवाद बनाए हुए हैं। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।